अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फास्क इनसाइट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ऑडेसिटी के जिस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे वो है ट्रंकेट साइलेंस। ट्रंकेट साइलेंस काफ़ी केसेस में आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है, जिसमें आपको मैन्युअली वाइट स्पेसेस रिमूव करना हो तो यहाँ पर आप ट्रंकेट साइलेंस का इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेट साइलेंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये साइलेंस वाले पार्ट्स को रिमूव कर देता है, तो इसमें थ्रेशोल्ड हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई की जा सकती है वो -20 है। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू जैसे कि -19, -18, -15 अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने -18 किया तो इसने मुझे अलाउ नहीं किया, यहाँ पर ओके और प्रीव्यू के बटन डिसेबल कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम हम अप्लाई कर सकते हैं वो -20 है। और यहाँ पर ड्यूरेशन हम बता रहे हैं कि अगर साइलेंट पार्ट 0.5 सेकंड से ज़्यादा का हो या उसके बराबर हो तो वो उसको साइलेंट पार्ट के तौर पर डिटेक्ट करेगा और उस पर ट्रंकेट साइलेंस का इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। और यहाँ पर एक्शंस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंप्रेस एक्सेस साइलेंस और ट्रंकेट डिटेक्टेड साइलेंस। अगर हम कंप्रेस एक्सेस साइलेंस करेंगे तो वो परसेंटेज के हिसाब से उसको कम कर देगा, और अगर हम ट्रंकेट डिटेक्टेड साइलेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास साइलेंट पार्ट जितना बड़ा मर्जी हो तो वो उसको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैप कर देगा। मतलब अगर हमारे पास 30 सेकंड्स का साइलेंट पार्ट है तो ट्रंकेट साइलेंस का इफ़ेक्ट अप्लाई होने के बाद वो सिर्फ 0.5 सेकंड्स का रह जाएगा। तो इसको हम अभी इस ऑडियो पे अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि इससे ऑडियो पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एंड पे भी कुछ वाइट स्पेसेस थी और यहाँ पर स्टार्ट में भी कुछ वाइट स्पेसेस थी जो कि इसने काफ़ी हद तक रिमूव कर दी हैं। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से साइलेंस को रिमूव कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 2-3 दफ़ा इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर लें ताकि साइलेंस अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। मैंने यहाँ पर सेकंड्स के हिसाब से ट्रंकेट की थी तो मुझे इसमें अब दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर केसेस में मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात देखी है कि ट्रंकेट साइलेंस का इफ़ेक्ट यहाँ से लास्ट पोर्शंस को, जो ऑडियो के होते हैं, उनको भी साइलेंस कंसीडर करके वो रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर वर्ड्स के एंड पे एस की आवाज़ या एच की आवाज़ या ई की आवाज़ और इस तरह की आवाज़ें वो ट्रंकेट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बाद में देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप इफ़ेक्ट में जाके इसको एम्पलीफाई कर लें, अलाउ क्लिपिंग, और काफ़ी एक बड़ी वैल्यू तक इसको एम्पलीफाई कर लें, और उसके बाद आप ट्रंकेट साइलेंस के इफ़ेक्ट अप्लाई करें। और ऐसा करने से आपके जो वर्ड्स के लास्ट पोर्शन हैं वो रिमूव नहीं होंगे। तो ये सब था ट्रंकेट साइलेंस के बारे में। अगली वीडियो में हम डीवर्ब्रेशन के इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।